हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंदराज लगातार जेसीसीबी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जेसीसीबी के द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग और पैरामेडिकल के नोटिस कब तक जारी कर दिए जाएंगे। तो आज मैं इसका डेट बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं कि इनका नोटिस कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनका नोटिस जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जेसीसीबी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाली पॉलिटेक्निक्स की एग्ज़ाम जो थी वो अब नहीं हो रही है। और उसका जो है मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग डेट और सीट अलॉटमेंट की डेटें जारी कर दी गई है, जिससे कि वे प्रक्रिया 25 तारीख तक चलेगी। उसके बाद तुरंत जेसीसीबी द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग और पैरामेडिकल के नोटिस जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद यह सारे एग्ज़ामों का काउंसलिंग होता है। तो ये नोटिस अब जल्द से जल्द 2-3 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि अब बच्चों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे और बहुत लेट हो रहा था नोटिस जारी होने में। तो अब जल्द से जल्द नोटिस जारी हो जाएगा और ये बहुत बड़ी बात है कि नोटिस जल्द से जल्द जारी हो। हम तो चाहते हैं कि नोटिस 1 सप्ताह के अंदर अंदर जारी हो जाए, जिससे कि बच्चों को पता चल कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नोटिस में सब बता दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो बच्चों को मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जेसीसीबी साइट के द्वारा, जिससे कि बच्चे अपना मार्कशीट अपलोड कर देंगे और स्टूडेंट उसी मार्कशीट के बेसिस पे मेरिट जारी कर दिया जाएगा और उसी मेरिट के बेसिस पे बच्चों का काउंसलिंग होगा और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया चालू हो जाएगी और बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और जल्द से जल्द जेसीसीबी नोटिस जारी कर दे, क्योंकि जेसीसीबी जो अपना टोल फ्री नंबर दिए उसमें तो कॉल लगता नहीं है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोटिस जारी करे जेसीसीबी, ताकि किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जेसीसीबी की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।